Start new chapter of science. The name of chapter is water in natural resource and the number of chapter is 18. Students, आप लोग की सोच रहे होंगे कि मैडम ने चैप्टर है आज नया स्टार्ट किया है वाटर इन नेचुरल रिसोर्स चैप्टर नंबर 18, बीच में 14, 15, 16, 17 छोड़ दिया है। बेटा थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो रीड मतलब फेस टू फेस टीचर के साथ पढ़ने के होते हैं, जरूरी होते हैं। तो मे बी अब तो आप न्यूज़पेपर में चल ही रहा है, आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि 1 दिसंबर से स्कूल लग जाएंगे, तब अपने क्या करेंगे वो चैप्टर क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अभी आप वही चैप्टर मैं आपको करवा रही हूँ जो आपको ईजी वे में क्या आ सकते हैं, समझ आ सकते हैं। तो अपने इसीलिए आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे 18 नंबर चैप्टर वाटर नेचुरल रिसोर्स, जो बिल्कुल ईजी सा है। पानी सभी अपने जानते हैं नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये नेचर से मिलता है, अपने आप तो अपने कोई पानी बना नहीं सकते, अपने को पता है कि नेचर के अंदर अपने आप ही पानी है वो पाया जाता है। और नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ है एयर से करते हैं, वाटर और मिनरल्स हैं वो सॉइल से लेते हैं, और सनलाइट है उसका यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं। तुम लोग ये भी जानते हो कि ये प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ फूड नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर, उनकी हेल्प से किया जाता है। यानी वो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेकर, वाटर और मिनरल सॉइल से लेकर, और सनलाइट है फूड्स वो सनलाइट है सन से लेकर फूड बनाते हैं। और ये सारी की सारी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ प्लांट्स क्या करते हैं अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर सनलाइट यूज़ होती है, इसलिए इस प्रोसेस को अपने फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ये ग्रीन लीव्स के अंदर होता है क्योंकि ग्रीन लीव्स जो होती हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको अपने क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो सिर्फ प्लांट्स की लीव्स के अंदर ही पाया जाता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पॉसिबल होता है, ग्रीन लीव्स के अंदर ही पॉसिबल होता है। एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वाटर और फूड की जरूरत होती है सर्वाइवल करने के लिए। वो ऑक्सीजन है एयर से लेते हैं, वाटर वाटर बॉडी से लेते हैं जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, और फूड है प्लांट्स और अदर एनिमल्स से यूज़ करते हैं। अपने को हम ह्यूमन बींग है, हमें भी किसकी ज़रूरत होती है, अदर एनिमल्स की तरह फूड एयर और वाटर की जरूरत होती है। अपने ये जो रिसोर्सेज हैं अर्थ के, इनको अपने सेवरल अदर वेज ऑल्सो ये यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ इन सेवरल अदर वेज ऑल्सो, यानी अपने जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं इनका अपने अलग तरीकों अदर तरीकों से भी अपने क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं। कुछ यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं, अपने जो मटेरियल हैं रॉक से और सॉइल से मिलते हैं उसका यूज़ है हाउसेज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए करते हैं। मेटल्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर है, इसका यूज़ अपने बिल्डिंग्स ब्रिजेस बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बर्तन और अदर हाउस होल्ड आइटम्स बनाने के लिए अपने मेटल्स आयरन एल्यूमिनियम कॉपर का यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का यूज़ अपने खाना बनाने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए, मशीन्स जो होती हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर उनको रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अपने क्या करते हैं इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी देखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज है इसका जो अपने कंस्ट्रक्टिंग डैम और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। हैबिटेटेबल क्रस्ट ऑफ द अर्थ एयर वाटर एंड सॉइल, यानी जो हैबिटेबल का मतलब होता है रहने का स्थान, यानी अर्थ की वो लेयर जहाँ पर एयर वाटर और सॉइल तीनों मिलते हैं जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं वो हो गया हैबिटेबल क्रस्ट। मटेरियल्स जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं वही लाइफ को एक्सिस्ट करने में हेल्प करते हैं, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। यानी वो मटेरियल्स जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं जो लाइफ की एक्जिस्टेंस को अलाउ करते हैं और जिसके कारण से लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स हैं लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर वाटर सॉइल मिनरल्स ये सारे के सारे नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अपने ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको अपने को कहाँ से मिलता है, सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट का लिथोस्फेयर, यानी जो अर्थ की सॉलिड पार्ट है अर्थ का क्रस्ट का, तुम्हें पता है कि अर्थ की तीन लेयर्स होती हैं, जिस अर्थ की जिस लेयर के ऊपर अपने रहते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। तो जो सॉलिड पार्ट है अर्थ की क्रस्ट का जिसको अपने लिथोस्फेयर बोलते हैं। वाटर बॉडी जैसे कि सीज, रिवर, लेक्स जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है ये क्या करती है हमारा बायो हाइड्रोस्फेयर बनाती है। गैसेस जिसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से सराउंड कर रखा है इसको अपने क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। आजकल लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट हो चुका है साइंस और टेक्नोलॉजी में जिसके कारण से अपने नेचुरल रिसोर्सेज है इसका यूज़ है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर किस क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है और आने वाले टाइम के अंदर इसका फ्यूचर के ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तब है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यू यानी जो रीन्यू हो जाते हैं नए बन जाते हैं, नाम से पता लगता है, और नॉन रीन्यू यानी जो नए नहीं बनते हैं। अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया,
रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिप्लेस हो जाते हैं, यानी दोबारा से बन जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उनको अपने क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। जैसे सनलाइट एक रिसोर्स है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि सन है अभी 5 बिलियन ईयर तक से पहले से अपने को सनलाइट दे रहा, और 5 बिलियन ईयर तक अपने को क्या करता रहेगा, लाइट देता रहेगा। ऑक्सीजन भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसके कारण से ट्रीज हैं या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने बच्चों को जन्म देते रहते हैं। अधिकतर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एक्स होस्टिबल, मतलब हाउएवर मोस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एक्स होस्टिबल इफ यू यूज देम एज ए फास्टर रेट देन दे आर रिन्यू। हाँ, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो एक्स होस्टिबल यानी ख़त्म हो जाएंगे, अगर अपने उनको यूज़ है इतने पूरी तरीके से, यानी इतना ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं कि वो रिन्यू नहीं हो पाते, उनका अपने यूज़ क्या करते हैं, अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। और अगर या उनका अपने जो नेचुरल मेथड है रिन्यू होने का, दोबारा से जो रिन्यू हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उनको अगर अपने उनके नेचुरल मेथड को डिस्टर्ब करते हैं तब भी ऐसा हो जाता है। जैसे ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, आजकल अपने इसको बहुत ही ज़्यादा फास्टर रेट पे यूज़ कर रहे हैं जितना ये रिन्यू नहीं होता। अपने पेड़ों को काट रहे हैं घरों को बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, जिसके कारण से नेचुरल प्रोसेस है जो रिन्यू होने का ग्राउंड वाटर के अंदर, वो क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। क्योंकि अपने ने क्या किया है, बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज वगैरह बना लिया है, जिसके कारण से पक्की सड़कें बना ली हैं, जिसके कारण से जो ग्राउंड है मतलब कच्चा ग्राउंड है, वो कच्चा सॉइल है, वो तो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। हमने पक्का फर्श बना रखा है। जैसे अगर अपने अपने घरों के अंदर, अगर मान लो अपने घर के अंदर एक बाल्टी पानी डालते हैं और एक बाल्टी अपने बाहर गार्डन में मिट्टी में डालते हैं, तो अपने क्या देखते हैं कि अपने घरों के ग्राउंड के ऊपर जो भी पानी डालते हैं वो पानी इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन जो अपने सॉइल के अंदर डालते हैं वो पानी धीरे धीरे सिप होकर कहाँ पर चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है। तो अपने ने पेड़ों का जो सॉइल अंडर एरिया है वो तो अपने ने ख़त्म कर दिया है, जिसके कारण से अगर सॉइल ही नहीं होगी तो पानी है वो नीचे ग्राउंड के अंदर कैसे सिप होगा। तो इस तरह से अगर अपने जो रिसोर्सेज हैं जिनका अपने अंधाधुंध यूज़ करते हैं, यानी वो रिन्यू नहीं हो पाते, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, मतलब तब क्या हो जाते हैं कि वो रिसोर्सेज भी खतरे के अंदर आ जाते हैं। जैसे वाटर और फॉरेस्ट है रिन्यूएबल है, टॉप सॉइल और पेट्रोलियम है ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि ये टॉप सॉइल है उसको अपने बनने में 1 सेंटीमीटर 1-2 सेंटीमीटर बनने में भी हज़ारों साल लग जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी वो रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ हो गए तो उनको एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला, ये मिलियन ऑफ ईयर लेते हैं, 300 मिलियन ईयर लेते हैं बच्चों। जो आज से 300 मिलियन ईयर पहले प्लांट्स थे, फॉरेस्ट थे ज़मीन के ऊपर, वो नेचुरल डाइजेस्टर जैसे बाढ़ के कारण से जंगल पानी के अंदर दबके थे, उसके ऊपर सॉइल और क्ले की लेयर चढ़ती रही, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर के कारण से जो प्लांट्स थे वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जो सी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स थे वो भी जब डाई हुए तो सी के बॉटम में चले गए। उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर चढ़ती रही, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर के कारण से जो सी प्लांट्स थे वो तो नेचुरल गैस में, और जो सी ऑर्गेनिज्म थे एनिमल्स थे वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए। लेकिन इसको बनने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तो अगर एक बार ये रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। इसी तरह से एक बार टॉप सॉइल अगर इरोड हो जाती है तो इसको बनने में 100 ईयर लगते हैं। तो कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेटल्स हैं, वो अगेन एंड अगेन बनते रहते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको अपने रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि अपने घर पे कोई मतलब लोहे वगैरह की चीज़ टूट जाती है, पीतल की चीज़ टूट जाती है, तो अपने क्या करते हैं, उसको कबाड़ी को दे देते हैं या बर्तन स्टोर पे जाकर उसको बेच देते हैं। तो अगर बर्तन स्टोर वाला या कबाड़ियाँ हमसे लेता है तो इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ को रिसाइकिलिंग पॉसिबल है, यानी वो पॉसिबल फैक्ट्री जो उनसे रिलेटेड फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर भेज दिए जाते हैं और उनको वापस से क्या किया जाता है, रिसाइकिल करवा लिया जाता है। यहाँ पर बता रखा है कि वाटर रिसोर्सेज हैं दो, नेचुरल रिसोर्सेज हैं दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के अंदर इनएक्सॉस्टिबल जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर। एक्सॉस्टिबल जैसे सॉइल, फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर ख़त्म भी हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे जिस कैन बी रिसाइकिल, जो रिसाइकिल हो जाते हैं जैसे कि मिनरल्स, और जो रिसाइकिल नहीं होते जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉसिल फ्यूल है और टॉप सॉइल है, सॉरी फॉरेस्ट नहीं, फॉसिल फ्यूल है और पेट्रोलियम वगैरह है, टॉप सॉइल्स है, ये सारे के सारे कभी भी रिन्यू नहीं होंगे। अब अपने बात करते हैं वाटर के रिन्यूएबल सोर्सेज।
वाटर है नियरली 3/4 है अर्थ की क्रस्ट सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. वाटर है पडल्स पॉन्ड्स रिवर्स लेक्स ओशन सभी के अंदर पाया जाता है. ग्राउंड के अंदर इसके अलावा क्या होता है कि जो ग्राउंड के नीचे रॉक्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है तो जब ग्राउंड वाटर उसके नीचे चला जाता है पानी बरसात का पानी है सिप होकर ज़मीन के नीचे चला जाता है और वो कहाँ पर जो भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ग्राउंड के नीचे वहाँ पर फिल हो जाता है तो वहाँ से अपने को अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है. लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर है ग्लेशियर्स यानी जो बर्फ़ के पहाड़ या पोलर आइस कैप्स यानी नॉर्थ और साउथ पोल है जहाँ पर पूरे साल सर्दी पड़ती है वहाँ पर भी क्या होता है कि आइस कैप्स के रूप में भी बर्फ वह वाटर है प्रेजेंट होता है. वाटर है इसके अलावा वाटर वेपर के रूप में एयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है. वाटर है लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एक पर्सन है वो बिना खाना खाए तो कुछ हफ्तों तक रह सकता है लेकिन बिना पानी पिए वो कुछ दिनों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर है उनकी बॉडीज़ के अंदर भी प्रेजेंट होता है. जैसे अपनी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर 90% क्या होता है वाटर होता है. बहुत सारी लाइफ प्रोसेस है ह्यूमन और एनिमल्स जैसे कि फूड का डाइजेशन है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के अंदर पहुँचते हैं. बॉडी के वेस्टेज है इनको बाहर निकालना है इन सब के अंदर भी क्या होता है कि वाटर है हेल्प करता है. अबाउट 2/3 है ह्यूमन बॉडी का इसके अंदर वाटर होता है. अपने वाटर है फूड के द्वारा या जो अपने खाना पानी पीते हैं उसके द्वारा लेते हैं. इसके अलावा पानी को अपने क्या करते हैं जब अपने यूरिन पास करने जाते हैं तब या अपने स्वेट पसीना आता है या एक्सहेल्ड एयर जब अपने एक्सहेलेशन करते हैं तो अपने क्या करते हैं कि वाटर है उसको बॉडी से बाहर भी निकालते हैं. वाटर है इसके कारण से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. हॉट वेदर के अंदर अपने लोट ऑफ वाटर है वो पीना चाहिए पीते हैं. इसके कारण से अपनी बॉडी का टेम्परेचर है रीजनेबल लिमिट्स तक क्या रहता है मेंटेन रहता है. वाटर जो अपनी बॉडी की सरफेस से इवेपोरेट हो जाता है स्वेट के रूप में वो अपनी बॉडी से हीट को क्या करता है दूर लेके जाता है जिसके कारण से अपनी बॉडी भी क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है. पसीना आता है तो अगर अपने पंखे के नीचे बैठते हैं तो अपनी बॉडी को ठंडी हो जाती है. प्लांट्स के अंदर वाटर है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. इसके अलावा जो सोइल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है सोइल से रूट्स हैं न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है वाटर अब्सॉर्ब करती है वो प्लांट की लीव्स तक पहुंचना ज़रूरी होता है. तो वो वाटर के द्वारा ही क्या होते हैं कि ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट की लीव्स तक पहुंचते हैं ताकि लीव्स क्या कर सके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके. अपने ये भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स वाटर का यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं. इसके अलावा पानी है बहुत ही ज़रूरी है. वाटर है अपने अदर तरीके से यूज़ करते हैं इसका यूज़ अपने खाना बनाने के लिए कपड़े धोने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में लेते हैं. एक लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है. वाटर का यूज़ है अपने ट्रांसपोर्ट मीडिया के रूप में जैसे शिप्स वगैरह चलती है बोट्स वगैरह चलती हैं. वाटर है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट भी है. वाटर है डज नॉट हीट अप और कूल डाउन मतलब जैसे जितनी जल्दी लैंड गर्म हो ठंडी हो जाती है उतना पानी है धीरे धीरे ही गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है. इसके कारण से एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं बहुत हॉट और कोल्ड कंडीशंस जब भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो यूँ ही है कि पानी बहुत जल्दी गर्म हो गया या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो पानी बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो गया ऐसा नहीं होता क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है धीरे धीरे ठंडा होता है. इसके कारण से एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म या जब ठंडी कंडीशंस होती है तब भी पानी का टेम्परेचर क्या रहता है कंट्रोल रहता है जिसके कारण से प्लांट्स क्या कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स है एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे.